सो गाइस, कैसे आप सभी लोग? वेलकम बैक टू अगेन इन माइनक्राफ्ट वन ब्लॉग। तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट वन ब्लॉग। तो चलो आज की वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आपको मालूम होगा कि लास्ट वाली वीडियो में अपन ने ये जो आपको दिख रहा है अपन ने ये बना था ताकि इधर कोई भी मॉब स्पॉन हो तो जैसे कि क्रीपर स्पॉन हो तो वो सीधा फूट ना जाए। और यहाँ पर अपने पोलर बेयर्स भी आए थे, पर गाइस अपने पोलर बेयर्स तो अभी इधर ही थे। शिट्स गाइस, मेरे को लग रहा है कि अपने पोलर बेयर्स नीचे वॉइड में गिर गए। अभी मैं भी गिरने वाला था। गाइस ये क्या हो गया अपने साथ? मैंने अभी चालू किया था जब भी वो लोग इधर ही थे, बस इधर ही घूम रहे थे। पर जैसे मैंने आपके साथ इधर बस इंट्रो स्टार्टिंग का दिया उतने में ये लोग गायब है। गाइस शिट्स यार, मुझे बहुत दुख हो रहा है, अपने पोलर बेयर्स चले गए, एक वो लोग की मम्मी और दो छोटे से बच्चे। बोले तो अपन इसको रिपेयर कर लेते, क्योंकि यहाँ पर अपन को मालूम है ना पोलर बेयर की मम्मी आई थी तो उसके लिए अपन ने इसको तोड़ा था। यहाँ पर मैं फटाफट से सबसे पहले ब्लॉक प्लेस कर लेता हूँ। और क्या हुआ, मैंने क्या कुछ रॉन्ग ब्लॉक प्लेस किया? अच्छा, इधर एक ब्लॉक बाकी है जो कि मैं बाद में लगा लूँगा। अभी अपन वापस अपना वन ब्लॉक कलेक्ट करना शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक चेस्ट आ गई है, इस तरह एक बार अपन खोल के देखते हैं। ओके, तो इसमें बहुत सारी स्वीट बेरीज है और 6 गोल्ड इंगट्स है और एक इसमें कैंप फायर है। तो गाइस यहाँ पर एक फॉक्स आ गया। आपको मालूम है ना अपने इसमें एक फॉक्स पहले आया था जिसे पोलर बेयर ने मार लिया था, पर अब एक और फॉक्स आ गया है। तो गाइस, अरे वाह, अपना लक देखो। अरे रे रे, अपने आज पोलर बेयर मर गए थे, शहीद हो गए। अब ये देखो, अरे नहीं 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 नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये मत करना तू। अरे प्लीज़ नहीं नहीं, मेरे फॉक्स को मत मार, पोलर बेयर नहीं 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 नहीं, उसे बाहर मत फेंक देना। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। वाह बे, क्यों करता है ऐसा तू? ये देखो, इसको फर्क ही नहीं है। ओ गाइस, तो यहाँ पर एक और पोलर बेयर आ चुका है। अरे रे रे, अरे बाहर आना यार, अंदर क्यों फंसा है? देखना गेट खोला है, जरा देख, घूम घूम, अरे घूम। हाँ, अरे वाह, तो दो पोलर बेयर यहाँ पर आ चुके हैं। और मेरे को लग रहा है कि अब तो फेंस बनाना ही पड़ेगा, वरना मालूम पड़ रहा है ये लोग भी गिर जा रहे हैं। बाहर आएगा कि नहीं आज? आ जा भाई, देखो आना है तब बना बस। तो गाइस यहाँ पर देखो शाम भी हो गई है और ये देखो मेरे एनिमल्स कब के बेचारे इस फेंस में अंदर है। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा दुख, पर क्या करें, तुम लोग को रखना पड़ेगा, आखिर में तुम लोग से खाना मिलता है अपन को। और ये देखो ज़रा इसको देखो, इसको बाहर ही नहीं आने का। अरे आज बाहर आएगी कि नहीं भाई तू? अरे आना यार फटाफट। अरे अच्छा, तू यहाँ से निकल आया था, छोड़ो यार, ये लगता है थोड़ा मन बुद्धि है या फिर है कानून लड़ी। अरे क्या ये का, अरे बाप रे, स्नो बॉल्स फेंके आते ना, हाँ एक बार इसको मारूँ। अरे शिट, ये मैंने गलत चीज़ कर लिया लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, अरे यार सॉरी, गलती से मारा था यार, सिर्फ ट्राई कर रहा था यार, अब ये कोई छोड़ेगा नहीं। अरे यार तू क्यों, अरे अरे बाप रे, डैमेज तो देखो। अरे यार प्लीज़ प्लीज़, अरे नहीं 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 नहीं, पोलर बेयर सॉरी यार, गलती से यार, समझते नहीं एक तो ये लोग। ये मैं पीछा नहीं छोड़ा, एक बार सो के देख लेता हूँ, मालूम पड़ रहा है दिनों रात लोग उनको छोड़ दें। मारना मत प्लीज़, मुझे डर लग रहा है। अरे बाप रे, अरे यार ये पोलर बेयर कैसा है यार, मेरे ख्याल से मेरे को अपना गेम ही रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो गाइज थोड़ा दो मिनट रुको, मैं एक बार गेम रिस्टार्ट कर लेता हूँ। 12 seconds later। अरे ये क्या हुआ गाइस, मैं तो रीस्टार्ट मारने गया था और यहाँ पर मैं मर ही गया। क्या यार, फिर रीस्टार्ट करने का मतलब क्या था यार? मेरा सामान देखो कितना सा आता है यार। तो ये लो, एक तो ऐसा क्यों करते पोलार बेयर भाई, मेरे ख्याल से वो मर तो नहीं गया ना? हाँ चलेगा, एक बार तूने मेरे को मारा मेरे को वो चलेगा, बस तू मर मत जाना प्लीज़। तो यहाँ पर अभी अपन को अपना सब सामान तो मिल गया है, सबसे पहले तो अभी अपन फटाफट से जाके सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग, तो यहाँ पर सुबह हो गई है और लगता है आज मेरे को इसका इधर लग रहा है कि आज इसको बाहर ही नहीं आने का है। तो सबसे पहले तो यहाँ से मैं अपनी ये एक्स ले लेता हूँ, और मैंने एक्स ले ली और इसको ज़रा एक बार तोड़ दे रहा ताकि ये बाहर आ जाए। आखिर में फाइनली ये बाहर आ गए। सो गाइस, अब अपन जो बनाने जा रहे हैं ना, वो गाइस अभी अपन बनाने वाले फॉरेस्ट बायोम। आपको मालूम होगा अपने माइनक्राफ्ट की जो सबसे कॉमन बायोम है, जो कि देखो जिसमें अपन को ये ट्रीज मिलते हैं, इसे अपन बोलते हैं फॉरेस्ट बायोम। तो अब मैं यहाँ पर फॉरेस्ट बायोम बनाने वाला हूँ। सबसे पहले तो ये जो आपको दिख रहे इधर इतने सारे, इसको क्या बोलते हैं, मैं क्यों भूल गया, अरे हाँ हाँ अच्छा हाँ, इसको अपन बोलते हैं स्वीट बेरीज। तो इनको मैं सबसे पहले यहाँ से हटा लेता हूँ।
तो गाइस यहाँ से मैंने स्वीट बेरीज हटा लिए, यहाँ पर मेरे पास टोटल इतनी सारी डर्ट है, एक तो फुल स्टैक और एक हाफ स्टैक। सबसे पहले तो अभी मैं यहाँ से ट्रीज तोड़ लेता हूँ ताकि अपन को इनको सैपलिंग्स मिले, और यहाँ से फिर मैं इस लैंड को एक्सटेंड कर दूंगा और वहाँ पर अपन सैपलिंग्स लगा लेगा और फिर अपना अपना फर्स्ट बायोम बन जाएगा जो कि अपना रहेगा फॉरेस्ट बायोम। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा शाम हो गया है और फाइनली यहाँ से मैंने हर एक ट्रीज तोड़ लिए और अपन को टोटल 18 ओक सैपलिंग्स मिल गए। और अब अपन सबसे पहले तो अभी अपन को सोना पड़ेगा क्योंकि शाम हो गई है, और सुबह उठ के अपन यहाँ से पूरे डर्ट को एक्सटेंड करेंगे और कुछ यहाँ से अपना स्टार्ट होगा अपना फर्स्ट फॉरेस्ट बायोम। और भाई, अरे भाई तू कहाँ से बाहर आ गई? क्या मैंने गेट ओपन रखा है? अच्छा गेट तो ओपन है, मेरे ख्याल से यहाँ पर स्पॉन, अच्छा फ्लैट लैंड इसलिए अपना तो स्पॉन हो गई होगी। और देखो अब यहाँ पर मून भी आ रहा है और अपना वापिस से सन सेट हो रहा है, तो अब सोने का टाइम है। ओके सो जाना भाई, लोग गलती से भी नहीं मारूंगा वरना आपने देखा है लोग क्या लत करते हैं। तो अभी हम फटाफट से सो जाते हैं। See next morning. So guys, यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और अब मैं यहाँ से ये जो डर्ट है अपने पास इसे यहाँ से मैं फटाफट से एक्सटेंड करने लग जाता हूँ अपने लैंड को। और गाइज अभी हाल फिलहाल के लिए अपने पास ज़्यादा तो डर्ट नहीं है, जैसे मेरे पास जैसे जैसे अभी और अगर मेरे पास डर्ट आएगी वैसे वैसे मैं अपने इस बायोम को थोड़ा सा और एक्सटेंड करता रहूँगा। और गाइज यहाँ पर अभी अपने पास सिर्फ 12 डर्ट ही बाकी है, तो अभी अपन इसे भी फटाफट से लगा लेते हैं। 6 5 4 3 2 1 और गाइज अपना इतना देख लो आप, इतना अपना एक्सटेंड हो गया क्योंकि अभी अपने पास ज़्यादा डर्ट तो नहीं थी क्योंकि अभी अपन स्टोन एज में वाले में आ गए ना अपग्रेड में, इसलिए अब इतनी डर्ट तो मिलती नहीं है। तो अब यहाँ पर मैं फटाफट से अपनी फर्स्ट बायोम बनाने लग जाता हूँ जो कि अपनी फॉरेस्ट बायोम। तो यहाँ पर मैंने अपना साइन बोर्ड प्लेस कर लिया है और अभी अपन यहाँ पर लिख लेते हैं फॉरेस्ट बायोम। तो गाइज यहाँ पर अपन ने फॉरेस्ट बायोम लिख लिया है और अभी अपन सेम टू सेम उस साइड पर भी लिख लेते हैं, साइन बोर्ड प्लेस कर लेता हूँ और यहाँ पर भी मैं सेम लिख लेता हूँ फॉरेस्ट। अरे यार F9 क्या लिख रहा हूँ, ओके फॉरेस्ट बायोम। सो गाइज मैंने दोनों साइड फॉरेस्ट बायोम लिख लिया है और अब अपन यहाँ पर ट्रीज लगाना शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो फर्स्ट ट्री आएगा अपना यहाँ पर, सेकेंड ट्री आएगा यहाँ पर, थर्ड ट्री आएगा यहाँ पर, फोर्थ ट्री यहाँ पर, फिफ्थ, सिक्स। और गाइज मैं आपको बता रहा हूँ जैसे जैसे अपने पास डर्ट आती रहेगी वैसे वैसे मैं इसको थोड़ा और एक्सटेंड करता जाऊँगा। और यहाँ पर मैंने कितना ब्लॉक्स का स्पेस दिया हुआ है, दो ब्लॉक का प्लेस किया स्पेस दिया है, तो यहाँ पर लगा लेता हूँ फिर से यहाँ पर और थ्री, और वापस से अपन सेम टू सेम टू ब्लॉक्स का स्पेस देखे 1 2 3 यहाँ पर भी सेम, पर यहाँ पर तो अभी अपने पास है नहीं हाल फिलहाल, तो यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ यहाँ पर और एक और यहाँ पर यहाँ पर। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने इतने सारे सैपलिंग्स लगा लिए और ये अभी अपना फॉरेस्ट बायोम रेडी होने वाला है। जब तक अभी अपन थोड़े से और ब्लॉक्स वन ब्लॉक्स को तोड़ देते हैं और अपन देखते हैं कि अपना एक ग्रो कब तक होगा। और गाइस यहाँ पर एक चेस्ट आ गई है, इसे जरा खोल के देखते हैं। ओ गाइस तो अपन को यहाँ पर ब्रूइंग स्टैंड मिल गया और यहाँ पर एक बहुत सारे पोशन है, मतलब एक ही पोशन है, और अपन को 4 एम्प्टी ग्लास बॉटल्स मिली और यहाँ पर कितना सारा अपन को मेलन मिल गया और यहाँ पर अपन को एक गोल्डन एप्पल और 4 नेदर वॉट और एक ब्लेज पाउडर। और गाइस यहाँ पर अपने पास एक और पोलार बेर आ गया, आ जा भाई तू भी बाहर आ जा। एक तो अब देखो अपने पास कितने गरीब दिन आ गए अभी, अरे तू आ जा, चल भाई पहले बाहर आ, बाहर बाद में बात करता हूँ। ये देखो ये लोग कैसे, ये लोग आने के लिए मानते ही नहीं भाई, ये गेट भी ले खोलना पड़ेगा क्या? सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने फेंस बना लिए, तो अब मैं इसे यहाँ पर, अरे यार, अरे तू गिर मत जाना, इसे गिरा दे क्या? हाँ चलो समझ जा रहे हो ना, हमने इसको गिरा नहीं पाता। तो यहाँ पर इसे फटाफट से अपन ऐसे लगा लेते हैं और टॉर्च प्लीज़ साइड में आ जा, अरे यार कलेक्ट भी नहीं हो रही है, क्या हो गया यार? तो इसे अपन वापस से इधर ऐसे ऐसे प्लेस कर लेते हैं, तो यहाँ पर प्लेस करके हो गया है। और क्या मेरे को कम पड़ेगा क्या? अरे यार मैंने कुछ ज़्यादा ही लंबा बना लिया यहाँ पर, नहीं नहीं मेरे ख्याल से परफेक्ट हो जाएगा। इसे तू इधर आ जा एक, अरे यार क्यों गलत लगता है? ओके तो ये कलेक्ट हो गया है, तो 1 2 प्लीज़ फेंस कम मत होना, सेकेंड 3 वाव, एक फेंस के लिए वापिस से क्राफ्ट करना पड़ेगा, मज़ा आया गाइस। यहाँ पर अपना फेंस क्राफ्ट हो गया और इसे अभी अपन यहाँ पर रख लेते हैं। अब अपन को सबसे मुश्किल काम करना है कि इन पोलार बेयर्स को अपन को इस फेंस के अंदर लाने का।
सो गाइस, बहुत देर वेट करने के बाद गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, आखिर में अपनी पूरी एक फॉरेस्ट बायोम बन चुकी है और बस ये कुछ एक दो सैपलिंग्स है जो कि ग्रो नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सैपलिंग्स ग्रो हो गए ना, इसलिए क्योंकि वो लोग का एकदम जगह बहुत कम थी इसलिए। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो में मज़ा आया हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना और अपने दोस्तों लोग के साथ भी शेयर कर देना। मैं मिलता आपको अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।